हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुषमा क्रिएटिव गार्डन में। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत प्लांट। ये हैंगिंग प्लांट्स है, ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट्स है और ये इंडोर प्लांट्स है। इंडोर प्लांट काफ़ी अच्छा चलता है इंडोर में। इसको जब भी रखें इंडोर रखें, ऐसी जगह पे इसे रखें जहाँ इसे फ्रेश हवा मिले और ब्राइट लाइट मिले, तो ये बहुत ही खूबसूरती से ऐसे ही चलता रहेगा और गार्डन को भी काफ़ी खूबसूरत बनाएगा। इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इस तरीके से पॉट में भी लगा सकते हैं। देखिए, इस पॉट में लगा हुआ ये पॉट को पूरा कवर कर लिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ढक लेता है ये, जहाँ पे भी लगाएंगे तो ये चारों तरफ से ढक लेगा, ना पॉट दिखेगी और ना मिट्टी दिखेगा, और इतना खूबसूरत हरा भरा गार्डन को रखता है ये। तो अगर ये पौधा आपके गार्डन में नहीं है तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। इस टर्टल वाइन को अपने गार्डन में एक बार लगाने के बाद ये गार्डन से कभी नहीं ख़त्म होता है। इसकी छोटी सी कटिंग गिर जाती है, टूट करके जहाँ पे वहाँ पे लग जाती है। मिट्टी और पानी होना चाहिए तो ये खुद ब खुद लग जाती है। इसे लगाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। हैंगिंग के लिए तो बहुत ही खूबसूरत है। ये नीचे इस तरीके से ट्रेल करता है, देखिए, और बहुत लॉन्ग जाता है। ये पॉट में लगा हुआ है लेकिन धीरे धीरे अगर इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे अगर मिट्टी है तो पूरा मिट्टी फैल जाता है मिट्टी पे, और ऊपर अगर हैंगिंग करते हैं तो नीचे लंबा जाता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसे आप मेंटेन कर सकते हैं अपने गार्डन में, बहुत इजी मेंटेन प्लांट है। एक बार लगा लीजिए और बिना मेहनत का ये चलते रहेगा। इस प्लांट को खाद कम चाहिए, इसे फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम फर्टिलाइज़र में ये पौधा चलता है। इसे साल में दो बार फर्टिलाइज़र दे दीजिए, एक फरवरी महीने में और दूसरा सितंबर में, बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। और फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल कीजिए कंपोस्ट, गोबर की खाद हो या फिर बर्मी कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, कोई भी आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, दो चम्मच चार चम्मच दे दीजिए, इतना ही काफ़ी है इस पौधे के लिए। ये फर्टिलाइज़र इसको बहुत कम चाहिए होता है और साथ ही इस पौधे को पानी भी कम चाहिए होता है। इसकी जो जड़ें होती हैं ना, बहुत छोटी सी होती हैं, बहुत सॉफ्ट, डीप नीचे नहीं जाती है मिट्टी में। इसे पानी अगर ज़्यादा देंगे तो पौधा गलने लगता है, ख़राब होने लगता है और इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, तो ये पौधा ख़राब होने लगता है। तो इसे पानी कम चाहिए और धूप भी कम चाहिए, धूप में भी इसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं, पौधा देखने में बहुत ख़राब दिखेगा, पीला पीला सा, और पत्तियाँ भी झड़ने लगेंगी, ये सब टूट टूट के गिरने भी लगता है। तो इसे जब भी रखें इंडोर ही रखें और पानी कम दें, पानी का ख्याल रखें, देख कर दें पानी, और कभी कभी इस पर सावरिंग कर दें, जैसे नीचे की तरफ ये जो लटक रही है ना ये सब ब्रांच, तो इस पर सावरिंग कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। नीचे तक पूरा फ्रेश बना रहेगा, ये पत्तियाँ जो है ना पूरी फ्रेश बनी रहेंगी और इसी तरीके से ग्रीन दिखेंगी, खूबसूरत दिखेंगी। इस पे कीड़ों का भी अटैक नहीं होता है, इस पे कोई कीड़े नहीं लगते हैं, बहुत हमेशा इसी तरीके से ये फ्रेश दिखता है। तो इसको पानी, अब जब इसे लगाते हैं तो इसको छोटे से छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी की इसे ज़रूरत नहीं होती है। ये कम मिट्टी में भी अच्छा फैलता है और तेज़ी से फैलता है, गर्मियों में तो और भी ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है। गर्मी में ही लगाने का इसका अभी सीजन है, समय है, लगाइए, गार्डन पूरा भर जाएगा। एक गमले, दो गमले, चाहे जितने गमले तैयार कर लें, एक लगा लें फिर भरते चला जाता है और खूबसूरत भी लगता है। तो इसको लगाने के लिए फ्रेंड, जब मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी हमेशा बेल ड्रेन होनी चाहिए, बेल ड्रेन मिट्टी। इसको पानी कम चाहिए, इसलिए मिट्टी हमेशा हल्की होनी चाहिए, बेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें पानी खड़ा ना हो। अगर पानी जमेगा गमले में तो ये पौधा ख़राब होगा। और ये जो पॉट है, पॉट का ड्रेनेज होल भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो फिर पौधा बहुत अच्छा चलता है और खूबसूरत बना रहता है। तो इसकी मिट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तैयार करके रखी है फ्रेंड्स, और कुछ पौधे अभी मैंने इस तरीके से इसमें डाल के रखे हैं। ये जो मिट्टी मैंने बनाई है, इसमें मैंने लिया है
40% गार्डन सॉइल और 40% कंपोस्ट मैंने गोबर की खाद ली है इसमें, और इसमें 20% मैंने मिक्स किया है लीवर से। तो इन सब के साथ इसको लगा लीजिए, और ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत इसे नहीं है, इतना में ही ये पौधा काफ़ी अच्छा चलेगा। लगाने के लिए कुछ नहीं, बस ऐसे ही इसका तोड़ना है और फिर इस मिट्टी पे डाल देना है और फिर इस पे पानी देना है। पानी आप सावरिंग इस पे करते रहिए, जब दोबारा से देते हैं ना, एक बार अभी तो लगाया तो फिर इसमें सावरिंग की इस तरीके से, और फिर जब दोबारा लगाइए इसमें सूखने लगे तो फिर ऊपर से सावरिंग कर दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही फिर भी बहुत जल्द पौधा आपका इस तरीके से घना हो जाएगा, पूरा पॉट भर जाएगा और खूबसूरत दिखेगा। आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए, पॉट में लगाइए, छोटे पॉट में लगाइए, छोटे छोटे जगहों पे स्पेस भी कम लगेगा और गार्डन को खूबसूरत बनाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।